हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल के फ्लैशबैक सेक्शन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मुगले आजम की। आप सब जानते हैं मुगले आजम 5th अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी और हाल ही में उसकी 60th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है। तो हमने सोचा क्यों ना पुरानी यादें ताजा कर ले एंड ऐसी चीजों पर बातें करें जो शायद आपने इससे पहले कहीं सुनी नहीं, कहीं पढ़ी नहीं। तो हो जाइए तैयार मुगले आजम के जमाने में जाने के लिए। दोस्तों, मुगले आजम 5th अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी और मुंबई में, उस समय बॉम्बे था, बॉम्बे में मराठा मंदिर सिनेमा में रिलीज हुई थी। मराठा मंदिर मेन सिनेमा कहा जाता था, वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के एकदम सामने है। मराठा मंदिर के ओनर मेहताब चंद जी गोलचा 1958 से उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे जब भी ये फिल्म आएगी वो रिलीज करनी है, और इसलिए 1958 से जो भी वो फिल्म अपने सिनेमा में रिलीज करते, बुक करते, सब्जेक्ट टू मुगले आजम होती। यानी अगर मुगले आजम आएगी, आपकी फिल्म कैसी भी जा रही हो, हिट सुपर हिट, मैं उतार दूंगा और मुगले आजम को रिलीज कर दूंगा। ऐसा क्रेज था और उन्हें ऐसी होप थी इस फिल्म पर, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें सुनी थी इस फिल्म के बारे में। खैर, 1960 में वो फिल्म रिलीज हुई, जाहिर सी बात है मराठा मंदिर में ही रिलीज होगी। जो इंसान, जो ओनर 2 साल से एक फिल्म का इंतजार कर रहा हो, तो फिर फिल्म उन्हें कैसे नहीं दी जाएगी। 4th अगस्त 1960 को इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, जिस प्रीमियर में महाराष्ट्र के तब के चीफ मिनिस्टर वाई बी चव्हाण साहब भी आमंत्रित थे और आए थे। वाई बी चव्हाण चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। पता है क्यों? शो लेट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि फिल्म की प्रिंट हाथी पर आई, कार टैक्सी में नहीं, हाथी पर आई। के आसिफ साहब को, शाहपुर जी, पालोन जी को यह पता था कि यह फिल्म कुछ कयामत ढाने वाली है, कुछ बहुत ही फैंटास्टिक करने वाली है, और इसलिए उस फिल्म की प्रिंट को हाथी पर लाया गया। खैर, फिल्म का जब प्रीमियर हुआ, कुछ ट्रेड के लोग निकले, कुछ मीडिया के लोग निकले, और उनका यह सोचना था कि यह फिल्म नहीं चल सकती है। जी हां, आपने ठीक सुना, वो सोच रहे थे कि यह फिल्म तो फ्लॉप होगी, और कई कारण थे। दिलीप कुमार और मधुबाला का कोई रोमांटिक गाना नहीं, दिलीप कुमार पूरी पिक्चर में मुस्कुराते भी नहीं है, ऐसे सीरियस हीरो को कौन देखने आएगा। लेकिन ऑफकोर्स असलियत कुछ और ही थी। बहुत से लोगों ने फिल्म देखते ही यह कह दिया कि यह फिल्म अच्छी है, लेकिन अगले दिन जब फिल्म रिलीज हुई, फर्स्ट शो से पूरे इंडिया से एक ही आवाज आई, ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट मूवी, मार्वल, मैग्नम ओपस, ये सब टर्म्स इस फिल्म के लिए इस्तेमाल हुए। कैन यू बिलीव इट, दिलीप कुमार जो इस फिल्म के हीरो थे, दिस फिल्म स्टार्ड पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार एंड मधुबाला, तो दिलीप कुमार ने इस फिल्म का प्रीमियर अटेंड नहीं किया। ताज्जुब हो गया ना आपको सुन के, और क्यों नहीं किया? पासेस की वजह से। के आसिफ साहब से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पासेस मांगे, के आसिफ साहब ओब्लाइज्ड, उनको दिए, लेकिन जब दिलीप साहब ने ये कहा कि मुझे और भी चाहिए, आसिफ साहब ने कहा और नहीं मिलेंगे, मेरे पास नहीं है। तो हीरो है भाई, गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रीमियर में नहीं आता। आसिफ साहब ने कहा नहीं आओ तो मत आओ। एंड इस तरह दिलीप कुमार एक्चुअली प्रीमियर में शामिल नहीं हुए। उस समय के आसिफ साहब हैड स्टार्टेड डेटिंग दिलीप कुमार सिस्टर, और शायद इस वजह से भी वो अपना रॉब जमा सकते थे। जहां दिलीप कुमार जो कि इस फिल्म के हीरो थे, उन्होंने इस फिल्म का प्रीमियर अटेंड नहीं किया, वहीं पे भूरे खान, जिसने के आसिफ साहब को घोड़े हाथी वगैरह अरेंज करके दिए थे जब इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई थी, उस इंसान को प्रीमियर का कार्ड गया था। एंड दिनों दिन तक भूरे खान का यू मानो वैल्यूएशन बढ़ गया। ट्रेड में, उसके घर के आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार सब ये कहने लगे मुगले आजम के प्रीमियर का पास आपको मिला है, एंड वो आए, अटेंड करने आए। मराठा मंदिर के वही मेहताब चंद गोलचा जो 2 साल से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, जब बात एक स्टैंडी, कटआउट वाली स्टैंडी लगाने की आई, उन्होंने कहा मैं नहीं लगाने दूंगा। वो सिनेमा बड़ा प्रेस्टीजियस था और गोलचा साहब का रुतबा ही कुछ ऐसा था। खैर, अगर गोलचा साहब का रुतबा ऐसा था, तो के आसिफ साहब का रुतबा कोई कम नहीं था। के आसिफ अड़ गए,
मेरी स्टैंडी आपके सिनेमा में लगेगी ही लगेगी। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, अंत में जाकर वो स्टैंडी लगी और वो स्टैंडी पेंटिंग की बनी थी और पेंटिंग भी एम्बॉस्ड पेंटिंग था, यानी उभरता हुआ पेंटिंग। और बच्चे लोग आते थे उस पेंटिंग को हाथ लगाते थे, इतनी नोकीली पेंटिंग थी कि बच्चों के उंगलियों में खून आ जाता था। और वो पेंटिंग, वो कटआउट, वो स्टैंडी एक अट्रैक्शन बन गया मराठा मंदिर का। अगस्त का महीना था और जैसे अभी भी अगस्त में बारिश आती है, जब 1960 में मुगले आजम रिलीज हुई थी तब भी पानी खूब बरसा था मुंबई में, लेकिन बारिश के बावजूद, इतनी बारिश के बावजूद भी टिकटों के लिए लाइन लगती थी। अच्छी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां और लड़के आके लाइन में खड़े रहते थे कि हमको मुगले आजम देखनी है। द सीन वॉज क्वाइट कॉमन कि घर की एक लड़की आती है, लाइन में खड़ी रहती है, लाइन बहुत लंबी है, तो आधे घंटे बाद उसकी बहन आकर खड़ी होती है और वो घर चले जाती है, लेकिन फैमिली को टिकट चाहिए, मतलब चाहिए। यही मेहताब चंद जी गोलचा, जिन्होंने 2 साल तक इस फिल्म का इंतजार किया, जनवरी 1961 में उन्होंने ये फिल्म उतार डाली। यानी अगस्त 1960 से जनवरी 1961 तक ये फिल्म चलती रही मराठा मंदिर में एंड बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। नेचुरली इट वाज अ मैग्नम ओपस, इट वाज अ मूवी मार्वल। लेकिन बी आर चोपड़ा साहब को उनकी धर्मपुत्र मराठा मंदिर में रिलीज करनी थी। जैसा मैंने कहा, वो सिनेमा बहुत ही प्रेस्टीजियस था और इसलिए हर प्रोड्यूसर की कोशिश रहती थी कि हमारी फिल्म मराठा मंदिर में रिलीज हो। चोपड़ा साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, इसलिए मेहताब चंद जी गोलचा ने कहा ठीक है मैं आपकी फिल्म रिलीज कर दूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगले हफ्ते से हमारे यहाँ बी आर चोपड़ा की धर्मपुत्र रिलीज होगी। नेचुरली शाहपुर जी, पालोन जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, उनको बहुत गुस्सा आया, हमारी फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, आप उतार के कैसे फेंक सकते हैं। वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में शाहपुर जी, पालोन जी की जीत हो गई। यानी कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये फिल्म उतारी नहीं जा सकती है। जो मेहताब चंद जी गोलचा के रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट में, संतोष सिंह जैन, उन्होंने एक तरकीब सोची। केस तो वो हार गए, उन्होंने ये कहा शाहपुर जी, पालोन जी के रिप्रेजेंटेटिव से कि आप केस तो जीत गए, आपकी फिल्म हमको चलानी पड़ेगी मराठा मंदिर में, लेकिन क्या आपने सोचा है जो शेयर बनेगा, जो शेयर सिनेमा से आप तक आएगा, वो हम यानी मेहताब चंद जी महीनों तक, हो सकता सालों तक आपको नहीं देंगे। आप कोर्ट में भी जाएंगे लेकिन ये सिविल केस है, लड़ते रहना, महीनों सालों लड़ते रहना। इससे शाहपुर जी, पालोन जी के रिप्रेजेंटेटिव डर गए और उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा मत करो, ऑलरेडी 3 लाख हमारे ड्यू है। तो संतोष सिंह जैन साहब ने कहा मैं ये 3 लाख दिला देता हूं, आप ये सिनेमा छोड़ दो। और शाहपुर जी, पालोन जी वाले मान गए, प्रोड्यूसर्स ऑफ मुगले आजम मान गए कि ठीक है हमारी फिल्म उतार दो, लेकिन शर्त यह है कि हमको हमारा 3 लाख का शेयर जो बना है, हमारे हिस्से का शेयर, वो इसी हफ्ते चाहिए। कोर्ट तक ये बात पहुंची और कोर्ट में मुगले आजम के प्रोड्यूसर्स ने कहा हम फिल्म हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो शेयर बना है, आज तक कई महीनों से शेयर नहीं मिला था, वो सारा कोर्ट में डिपॉजिट किया जाए। अब मेहताब चंद जी गोलचा ने बी आर चोपड़ा साहब को फोन किया कि कोर्ट में तो आप हार गए, आपकी फिल्म नहीं लग सकती है, लेकिन हमने एक तरकीब अपनाई है जिसकी वजह से वो मान गए हैं, वो फिल्म उतारेंगे, आपकी फिल्म लगेगी, लेकिन हमें 3 लाख रुपए उनको 3 या 4 दिन में देने हैं, तो आप कितना दे सकते हैं। बी आर चोपड़ा साहब से कहा गया कि आप 50,000 पहले ही हमें भेज दो। यानी गोलचा ने चोपड़ा साहब से 50,000 रुपए पहले ही ले लिए। उसके बाद अलग अलग लोगों को कहा, किसी से 10,000, किसी से 25,000, किसी से 20,000 वगैरह वगैरह। और कोर्ट की जब तारीख थी, उन्होंने वो सब पैसा बैंक से विड्रॉ करवाया एंड 10-10 रुपए की गड्ढी कोर्ट में लेकर पहुंचे, गुनी में, सैक फुल ऑफ नोट्स। कोर्ट को गुस्सा आया कि 10-10 रुपए के नोट्स लेकर आए हो, गिनती कब होगी। तो उन्होंने कहा इट इज लीगल टेंडर, कोई कानून नहीं है जो हमें रोक सकता है, और अगर बैंक ने हमें 10-10 रुपए के नोट दिए हम क्या करें। ये तरकीब थी। तो कोर्ट ने गिनने के लिए कहा, अब 3 लाख रुपए 10-10 रुपए के नोट से गिनने हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। गिनती करके कोर्ट के ऑफिसर ने कहा कि ये तो 1.5 लाख रुपए हैं। अब 1.5 लाख रुपए ही थे तो गोलचा साहब के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा अरे हाँ एक और टैक्सी आ रही थी गुनी भर के, वो टैक्सी शायद कहीं और चली गई। और उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। बहुत वेट करने के बाद कोर्ट ने अगले दिन की तारीख दे दी। हाउ लॉन्ग कैन द कोर्ट वेट। और इस तरह गोलचा साहब को 24 घंटे और मिल गए टू अरेंज फॉर द बैलेंस 1.5 लाख रुपए। यानी उन्हें कोर्ट में यह कहना नहीं पड़ा कि हम
डिफॉल्ट हो गए हैं, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं, 24 घंटे की मोहलत और मिली, और इस तरह उन्होंने 1.5 लाख रुपए का और इंतजाम किया, एंड नेक्स्ट डे वो 1.5 लाख प्लस ये 1.5 लाख 3 लाख रुपए लेकर आ गए, शाहपुर जी पालन जी को पैसे दे दिए, एंड धर्मपुत्र फिल्म रिलीज हो गई फ्राइडे से। उस जमाने में इनफैक्ट 1990s तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह माना जाता था कि अगर कोई चलती हुई फिल्म जो अच्छी जा रही है उसको उतार के कोई दूसरी फिल्म लगाई जाए मेन सिनेमा में, मेन सिनेमा यानी मुंबई शहर में मराठा मंदिर, मिनरवा, नाथ सिनेमा, इंपीरियल, स्वास्तिक, ऐसे मेन सिनेमा जो टाउन में है और जहां पर कंटिन्यूस एक फिल्म चलती है, तो ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई फिल्म अच्छी जा रही है, शेयर बन रहा है उस फिल्म का, और उसको चलते में उतार दिया जाए और नई फिल्म लगा दी जाए, तो वो नई फिल्म नहीं चल सकती है क्योंकि उस चलती हुई फिल्म के लोगों की हाई लग जाती है। एंड कैन यू बिलीव धर्मपुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ, बी आर चोपड़ा साहब की धर्मपुत्र फ्लॉप हो गई, यानी वो जो सुपरस्टिशियस बिलीव था वो उस समय धर्मपुत्र के साथ भी ट्रू साबित हुआ, सही साबित हुआ। वेल, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा कहानियां आपके सामने पेश की जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो ना जिसके बारे में पढ़ा हो। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने मुगले आजम की बातें की कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून।